आप, मैंने कोई गलत अल्फाज नहीं बोला, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, आप मज़ारे कायद आजम पर जाइए, आप कायद आजम के मज़ार पर जाइए, माफी मांगे जाके वहां से। मैंने कहा है बहरामन तंगी प्लीज आप अपनी बारी पे बात करें। 9 मई के जो गुना है, 9 मई का जो गुना, उस पर माफी मांगो। जीएच के ऊपर हमले की माफी मांगो। तंगी साहब तशरीफ रखें प्लीज। अब बजट की बात मैं करता हूँ, आप कहते हैं जरका साहब आप तशरीफ रखेंगे, आप अपने टाइम पे बात करें जरका साहब प्लीज। अगर तुम कभी तब तुम बैठो जी, आप बात करें डॉक्टर साहब प्लीज। ये तुम कह रही है, ये तुम कहेगी मैं तू कहूंगा, ये तुम कहेगी मैं तू कहूंगा। डॉक्टर साहब आप मेहरबानी करें डॉक्टर साहब प्लीज। कोई अब जैसी जुबान इस्तेमाल, डॉक्टर साहब वैसा, डॉक्टर साहब आप प्लीज बात करें। मैं ये कह रहा था तो मैं ये आप तहजीब के दायरे में रहूं। मैं डॉक्टर साहब आप अपनी बात करें प्लीज। डॉक्टर जरका साहब आपकी निशस्त पे चले, आप क्यों अपनी निशस्त पे नहीं जा रही हैं? मैं आप क्या आपकी निशस्त पे, आप उधर से बात करें, चले अपनी निशस्त पे प्लीज। थैंक यू अपनी निशस्त पे आप बात करें इधर। डॉक्टर साहब आप अपनी बात करें, बहरामन तंगी तशरीफ रखे प्लीज। तो गुजारिश ये है सर, मैं कह रहा था कि हमने बड़े तहमुल से सुनी है बात, कोई मैंने गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं बोला। मैंने कहा माफी मांगो भाई, जुर्म किया है माफी मांगो, जिना हाउस पर हमला किया है माफी मांगो, जीएचक्यू पर हमला किया है माफी मांगो। यार वही बहरामन तंगी साहब प्लीज अपनी निशस्त पे चले। फिजाइया मियां वाली, फिजाइया, फिजाइया के उस पर हमला किया है माफी मांगो। अच्छा टांगे तो वो ना जिन्होंने टांगना है, हम तो कहते हैं ईवान में माफी मांगो, फादर मेंबर है, कोई रियलाइज तो करे। अब जहां तक सर ये बजट की बात है, देखे ना सारा मेरा इन्होंने माइंड मुंतशिर कर दिया, मैंने बजट में ही बात करनी थी लेकिन ये मुझे उर्दू कर ले गए, अब मैं क्या करूं। अच्छा बजट पे मैं फिर कल ही बात करूंगा। तो आखिर में सर मैं ये कहना चाहता हूँ, कहना चाहते हो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गैर मामूली हालात थे जिसमें एक बजट पेश किया गया और उसमें बहुत से मुस्बित पहलू भी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बजट जो आया है, इस बजट से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और इसमें मैं समझता हूँ मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश थी है, और वक्त आने के साथ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से एक जो आसेब का साया था वो दूर हुआ है और आसेब के नहुसत के बादल छटे हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीडीएम की क़यादत में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में, नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला हम कायद आज़म की विजन के मुताबिक पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेनेटर सानिया निश्तर। अब आपका ताल्लुक पीडीएम से कब तक है और कब तक ये चलेगा, कब राय जुदा कर रहे हैं? हमारा पीडीएम से राज से जुदा करने का कोई, मैं तो खुद सदर हूं और मैंने तो मेरा तो काम ही है कि उसको तहफ़ुज़ दूंगा। बच्चे हैं ना भी आप। देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि उसके वोटर को भी सोचना चाहिए और उसका वोटर खुद सवाल करे अपने क्यादत से कि आपने 3.5 साल हुकूमत की, अपनी एक कारकर्दगी बता दो कि आपने इस मुल्क के लिए क्या किया, एक कारकर्दगी बता दो। जो हमारे मंसूबे थे वो सब नीचे चले गए, मुल्क की मईशत आ गई अंडों और कट्टों पे, जो पब्लिक टू पब्लिक गांव में एक दूसरे के साथ कर रहे थे उसको रियासत की सतह पर
तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क की मईशत को कहाँ पहुँचा दिया गया, और जिसने उनको वोट दिया है वो क्या अपने आप को इसका ज़िम्मेदार नहीं समझेगा? क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे वोट से एक इतना बड़ा मुजरिम जो है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा और उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया? यानी आप सोचें कि 2017-18 को जो बजट में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बताया गया था और जो बड़े बड़े मंसूबे मुल्क में चल रहे थे, क्या वो सब नीचे नहीं आ गए? क्या उनके दौर में पाकिस्तान के